अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हम लोग जो है वो बॉस्फोरस के बारे में तो सबने सुना होगा टर्की में, तो हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ से हम जा रहे हैं साउथ। और गाड़ी जो है वो हमने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, गाड़ी हमने फेरी में ही पार्क कर दी। इसको फेरी बोलते हैं जिस शिप के अंदर अभी हम लोग मौजूद हैं। और आमिर भाई ज़रा दिखाएँ कि जहाँ गाड़ियाँ पार्क हुई हुई हैं। तो यहाँ हमने सारी गाड़ियाँ पार्क की हैं और शावर भाई हमारे साथ हैं, हम इन्हीं के साथ घूमते फिरते हैं। तो अब शावर भाई बताएं, ये इतनी खूबसूरत जगह है, इसकी क्या हिस्ट्री है? ये इस वक्त तो एक इंटरनेशनल ट्रेड रूट है एक्चुअली। इस्तांबुल के दो हिस्सों के दरमियान ये पानी है और इसको ये एक्चुअली कनेक्ट करता है नीचे मरमरा के समंदर से ब्लैक सी को, बहरे अस्वद को, बहरे मरमरा से। इसको भी लोग मरमरा ही कहते हैं, यूसी का ये एक हिस्सा है, लेकिन ये उसका बहुत ही पतला सा हिस्सा है जो कि दो खुश्की के दरमियान से गुजरता है। हाँ से हम जो है वो इस फेरी के अंदर कितनी देर का डिस्टेंस तय करेंगे, मतलब कितनी देर लगेगी हमें और हम किस पॉइंट पे उतर के फिर आगे साउथ के लिए निकलेंगे? तकरीबन 20 मिनट लगते हैं, 20 से 25 मिनट लगते हैं। अच्छा। फेरी में यहाँ से हम एशियन साइड पे हरम नाम का एक इसके लिए है, एक स्टॉप है, स्टेशन है, वहाँ उतरेंगे और उसके बाद फिर इंशाल्लाह 3-3.5 घंटे का आगे साउथ करेंगे। मतलब अभी हम यूरोप में हैं, यूरोप से हम जो है एशिया की तरफ जा रहे हैं इस वक्त। तो अब हम दरमियान में हैं। अच्छा, अब हम दरमियान में आ गए। अब हम पे कोई अपना हक नहीं जमा सकता। सही नहीं। अच्छा, यहाँ से फिर जब हमारी गाड़ियाँ अनलोड हो जाएंगी इसके बाद फिर बाई रोड हम जाएंगे, बाई रोड जाएंगे तो कितनी देर का डिस्टेंस है साउथ का? साउथ का डिस्टेंस तकरीबन 3-3.5 घंटे लगते हैं, डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक और अदर। अच्छा, फेरी जो है वो सिर्फ यहाँ से हरम ही जाती है और भी कोई इसकी सर्विस होती है और कहाँ कहाँ जाती है यहाँ पे फेरी? इस तरह बहुत सारी हैं। असल में इस्तांबुल के दो हिस्सों को मिलाने के लिए 3-4 मेजर रास्ते हैं। अगर आप गाड़ी चला के जाएंगे तो एक टनल है और 3 पुल हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से अक्सर लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते, वो फेरीज़ के अंदर गाड़ी खड़ी करके फेरी के थ्रू ले जाते हैं। तो फिर अब वो करते करते फेरीज़ की सर्विसेज भी बहुत सारी हो गई हैं। अच्छा। कम से कम 4-5 जगहों पर जो है, जिनका मुझे इल्म है, वो इस्तांबुल के एशियन साइड से यूरोपियन साइड तक जो है वो एक फेरी की सर्विस चलती है। अच्छा, अब हम जो है वो दूसरे पॉइंट पे आ गए हैं, दूसरी फेरी के अंदर आए हैं और यहाँ पे फिर दोबारा हमने गाड़ी यहाँ पे पार्क की और अब हम जा रहे हैं येलोवा। येलोवा। अच्छा, और ये कौन सा पॉइंट है जहाँ पे अभी हम मौजूद हैं? एस्की हिसार नाम है इस जगह का। एस्की हिसार, वो अर्तुल ड्रामे में आप लोगों ने सुना होगा ना, कराजा हिसार कासिल ताए को, ये है एस्की हिसार। अच्छा, का मतलब कासल होता है और एस्की मींस पुराना। अच्छा, यहाँ हम कुछ हल्का फुल्का जो है वो नाश्ता करेंगे तो यहाँ पे फेरी के अंदर ही देखें आप, बैकग्राउंड पे इतना ज़बरदस्त एक शॉप टाइप की बनी हुई है जिसके अंदर जो है वो टक शॉप टाइप की है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो यहाँ हम कुछ हल्की फुल्की रिफ्रेशमेंट करेंगे और इसके बाद फिर येलोवा पहुँचेंगे। येलोवा यहाँ से कितनी देर का रास्ता है? येलोवा यहाँ से तकरीबन 1.5 घंटा 1 घंटा के दरमियान लगेगा। अच्छा, 1.5 घंटा प्रॉब्लम। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि कितनी मज़े की चीज़ें, मतलब दो दो पॉइंट्स के ऊपर हमने फेरी को यूज़ किया, गाड़ियाँ पार्क की, सिर्फ यहाँ पर गाड़ियाँ पार्क नहीं हुई, बड़े बड़े कंटेनर ट्रक वगैरह सारे लोड हो रहे हैं। तो इसका कितना बेनिफिट है यार, मतलब कि एक तो जो है वो रोड का ट्रैफिक जो है वो रिड्यूस हो गया, इसके बाद फिर जो है वो एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो काफ़ी बेनिफिट है इसका। और क्या क्या चीज़ें मतलब यहाँ पे बेहतरी लाती हैं इस चीज़ के? अब देखिए ना कि ड्राइवर की स्ट्रेस कम हो गई, यानी अब हमें गाड़ी नहीं चलानी पड़ेगी, जो हमने 2 घंटा गाड़ी चलानी थी 1/2 घंटा फेरी में बैठेंगे। और ये चीप भी है, बहुत चीप है, बहुत चीप है। यानी रोड पर आपका सिर्फ यहाँ से एक पुल जो हमने क्रॉस करना था उसका जो टैक्स था वो तकरीबन 110 लीरा है और यहाँ 85 लीरा में हम सब आ गए। देर के सफ़र के बाद हम लोग पहुँच गए यहाँ पे, साउथ के पास हैं बिल्कुल। अब यहाँ से अगर हम लेफ़्ट टर्न होंगे तो साउथ है और राइट टर्न होंगे तो बिलिचिक है और वहाँ आपको जो है वो साइन नज़र आ रहा होगा, काई कबीले का साइन, दिखाइएगा ज़रा ज़ूम करके। ऑन द वे टू साउथ, और अब हम यहाँ पे जो है वो रुके हैं ज़रा 5-10 मिनट के लिए, फ्रेश फ्रूट्स यहाँ से लेके कुछ खाएंगे, थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट और इसके बाद आगे फिर अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे।
Filike, nereden geldiğini unutma ki nereye gideceğini unutmayasın. Kahan se aaye ho usko mat bhulo taki ye na bhul jao ki kahan jana hai. Behtareen baat. Samajh rahe, yani apne past ko kabhi mat bhulo taki tumhara rasta bilkul seedha rahe. Tumhara maqsad jo hai wo kabhi gum na ho. Aur ye entry hai. Ye entry hai yahan se hum jo hai wo Arturul Ghazi ke mazar यानी एक्चुअली साउथ मेट्रो हो रहे हैं लेकिन ये उसका वो गेट है जो डायरेक्टली हमें मज़ार पे ले जाता है. सही. मैं आ गया हूँ अर्तुरुल गाज़ी के मज़ार पे साउथ में और पीछे आप देख रहे होंगे एल्फ के यूनिफॉर्म यहाँ से मिलते हैं, यहाँ पे ड्रेसअप होते हैं. और हम लोग कल ही तुर्की आए थे और आज हम लोग साउथ आए और अल्प का यूनिफॉर्म भी पहन लिया आपके भाई ने और यहाँ पब्लिक के जो रिएक्शंस हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त हैं. अब हम अंदर जाएंगे इंशाल्लाह, हाजिरी देंगे और जो उनके कंपेनियंस थे उनकी भी कब्रों पर हाजिरी होगी. और बेशक कितनी बड़ी जगह है ये अर्तुरुल गाज़ी जिन्होंने इस्लाम के लिए जो है बहुत जद्दोजहद की, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हाजिरी हुई. चले आएँ, अंदर चलते हैं साथ. अच्छा, ये जो है वो उस्मान गाजी की कब्र है लेकिन ये मतलब ये भी जो है वो तुर्गुत की तरह असली कब्र नहीं है, ये सिर्फ इन्होंने यहाँ पे बनाई हुई है. बुर्सा शहर फतह करने के बाद वहाँ मदफून है. और ये जो है वो अभी कोरोना की वजह से जो है वो इसकी एंट्री बंद की हुई है. अर्तुरुल गाज़ी की जो है वो कब्र यहाँ पे अंदर है, तो बाहर से ही जो है वो लोग फातिहा पढ़ लेते हैं, तो हम भी बाहर से ही फातिहा पढ़ेंगे इंशाल्लाह. जैसे कि आप सब लोगों को जो है वो पता है कि अर्तुरुल गाज़ी की दीन इस्लाम के लिए बहुत खिदमत हैं, तो हमें भी चाहिए, हम भी इरादा करें कि हमसे जितना हो सकेगा हम दीन इस्लाम के लिए काम करेंगे, इस्लाम की खिदमत करेंगे, नमाज का पैगाम आम करेंगे. इंशाल्लाह जो लोग ये वीडियोज़ देख रहे हैं वो भी नियत कर लें कि नमाज अब कोई भी स्किप नहीं होगी. ये अर्तुरुल गाज़ी के जो है वो बेटे सावची पे ये उनकी कब्र है और इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं. कॉनूर एल्प, तुर्गुत एल्प. अच्छा, तुर्गुत एल्प के हवाले से जो है वो इनकी जो है वो ये एक्चुअल कब्र नहीं है, असली कब्र इनकी जो है वो कहीं और है. और कहाँ है शाबार भाई? इन्हीं गोल में है, ये यहाँ पर अलामती कब्र है. अच्छा, बस वो चूँकि बाकी दोस्त भी यहाँ दफन थे तो वो साथ में. और गुंदुस, गुंदुस बेग की कब्र यहाँ पे है. अब्दुल रहमान गाज़ी जो कैरेक्टर में बड़ा पसंद किया जाता है ड्रामा देखने वालों को, तो अब्दुल रहमान गाज़ी की जो है वो कब्र यहाँ पे.
दुंदार बे, दुंदार बे की खबर ये है, और ये है समसा चावश जो कि उस्मान के बड़े ज़बरदस्त किस्म के कंपेनियन थे और बहुत ज़बरदस्त किस्म के वॉरियर थे जैसा कि हमें ड्रामे में दिखाया गया। तो ये समसा चावश की खबर है। ये आप देख रहे हैं, इसके ऊपर नसीहत लिखी हुई है जो अर्तुल गाजी ने अपने बेटे उस्मान गाजी को की थी कि कभी भी अगर नाफरमानी मेरी भी कर ली ना तो अपने उस्ताद हैं जो शेख अदब अली उनकी नाफरमानी कभी भी नहीं कर सकती। अर्तुल गाजी ड्रामा हमें बहुत सारे मैसेजेस देता है, काफ़ी सारे लोगों ने इससे पॉजिटिव मैसेजेस लिए और अपनी ज़िंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। जो मेन मेन इसके मैसेजेस हैं वो क्या हैं? दीन की खिदमत करना, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, बुज़ुर्गों का अदब करना और हर अच्छे बुरे हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना और किसी भी मुश्किल के अंदर सिर्फ अल्लाह ताला से हेल्प मांगना। तो हमें भी चाहिए कि हम इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट करें। नो डाउट पूरी दुनिया के अंदर इस ड्रामे ने बड़ी जो है वो पज़ीराई हासिल की है, लेकिन हमें चाहिए कि हर अच्छा जो मैसेज इससे मिल रहा है वो लें और अपनी ज़िंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट करें ताकि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर हो। तो ये आज हमारा जो है वो यहाँ का विज़िट था। इंशाल्लाह मज़ीद जगहों को एक्सप्लोर करेंगे और आप लोगों को दिखाते रहेंगे। हमारे साथ कनेक्टेड रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।